सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस अपने नए सीजन के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए टीवी पर वापसी कर रहा है। हाल ही में ऑन एयर हुए बिग बॉस सीजन 18 के प्रोमो में सलमान खान ने शो की ऑडियंस को बताया था कि उनका शो 6 अक्टूबर से कलर्स टीवी पर ऑन एयर होने जा रहा है। खतरों के खिलाड़ी के ग्रैंड फिनाले में रोहित शेट्टी ने सलमान खान के शो में शामिल होने वाली पहली कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम दर्शकों के साथ शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि निया शर्मा इस बार बिग बॉस के घर में एंट्री करने जा रही हैं। एक तरफ जहां बिग बॉस के घर में जाने वाले कंटेस्टेंट्स की सिलेक्शन प्रोसेस पूरी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि ईशा कोप्पिकर ने शो के शुरू होने से 4 दिन पहले बिग बॉस से बैकआउट कर लिया। ईशा कोप्पिकर का नाम इससे पहले भी कई बार बिग बॉस के लिए चर्चा में आ चुका है, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस बार बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का शो में जाना लगभग कंफर्म हो गया था, लेकिन फिर आखिरी समय पर ईशा का शो में जाना कैंसिल हुआ। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कुछ भी हो सकता है। इन 4 दिनों में अगर मेकर्स ईशा को मनाने में कामयाब होते हैं तो वो इस शो में एंट्री कर सकती हैं। ईशा कोप्पिकर के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस शांति प्रिया और शिल्पा शिरोडकर के नाम की भी चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों में से शिल्पा शिरोडकर ने मेकर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इन बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ साथ और भी कई सेलिब्रिटीज हैं जो बिग बॉस 18 के घर में एंट्री कर सकते हैं। इन सेलिब्रिटीज में एलिस कौशल, शोएब इब्राहिम, नायरा बनर्जी, मीरा देवस्थले, अविनाश मिश्रा, देव चंद्रिमा, सिंघा राय, चाहत पांडे, शहजादा, धामी जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। बिग बॉस को टीआरपी चार्ट पर हिट बनाने के लिए मेकर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि हर दिन दर्शक बिग बॉस का एपिसोड टीवी पर देखे, इसलिए जियो सिनेमा पर 24 घंटे होने वाला लाइव टेलीकास्ट इस साल बंद किया जाएगा। लेकिन इस बारे में अब तक जियो सिनेमा या कलर्स टीवी की तरफ से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसी खबरों के लिए आप फॉलो करें एंटरटेनमेंट डेली को।